द ग्रेट महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल पर जो इनका अद्वितीय इतिहास है, उनके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, उसके लिए मैंने कुछ तथ्य भी दिए हैं, जिसकी वजह से भरतपुर का इतिहास मशहूर है। और मैं इस डॉक्यूमेंट्री जो बनाई जा रही है, मैं इसके लिए अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, भरतपुर की जनता की ओर से आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। बहा पसीना विच खेतां अन्न दे भरन भंडार सोने, मां मंगे जद कुर्बानी लैन मथे कफन शिंगार सोने, बला जकारा गज के दिंदे जान वतन ते वार सोने, नहीं रीसा इन्हां जट पुत्रां दियां नहीं रीसा, भारत अपनी मां तो लेंदे रज रजे सीसा, रज रजे सीसा। महाराजा सूरजमल जी जाट कौम के शूर वीर सपूत, उनके जीवन पर कलवानिया और पलसानिया नाम के दो जाट बेटों ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। मेरी दुआएं हैं हमारे बच्चों की ये अनथक मेहनत, इनकी दिली हसरत बेपनाह मकबूल हो, खुश रहें, जीते रहें। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यावर्त से लेकर हिंदुस्तान बनने तक की कहानी के साक्षी रहे जाट समुदाय ने कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से लेकर वीरभूमि राजस्थान तक संपूर्ण भारतवर्ष में अनगिनत वीर सबूत दिए हैं, जिनकी शूर वीरता और दान वीरता की गाथाएं कण कण में गूंजती हैं। ऐसी ही गाथा वीरता और स्वाभिमान के महानायक, विश्व के सिरमौर, भारत भूमि के अजेय महायोद्धा महाराजा सूरजमल के जीवन की वीर गाथा है, जिनके बारे में कहा जाता है, राजा झुके मुगल झुके, झुका गगन सारा, सारे जहां के शीश झुके, झुका न कभी सूरज हमारा। 18वीं सदी के महानायक महाराजा सूरजमल ने भरतपुर राजस्थान से लेकर संपूर्ण भारतवर्ष में अजेय महायोद्धा और महाराजा के रूप में ख्याति प्राप्त की। लेकिन इतिहासकारों ने ऐसे महान व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन नहीं किया। अब इस गाथा को हम सच्चाई के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत कर सही मायने में प्रतिष्ठापित करने का प्रयास कर रहे हैं। महाराजा सूरजमल भीम जैसे बलशाली, कृष्ण जैसे नीतिज्ञ और कौटिल्य जैसे अर्थशास्त्री और रणनीतिकार थे। उन्होंने अनगिनत युद्ध लड़े, 3 बार दिल्ली जीती, 4 बार आगरा पर अधिकार किया, अलीगढ़ को जीतकर वहां पर रामगढ़ किला बनवाया, जो हूबहू लोहागढ़ भरतपुर की तरह है। महाराजा सूरजमल ने एक स्वतंत्र भरतपुर जाट रियासत की स्थापना की। उनका साम्राज्य आज के भरतपुर, धौलपुर, निमराना, मेवात, अलवर, मथुरा, आगरा, एटा, इटावा, फर्रुखनगर, हाथरस, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, अलीगढ़, बुलंदशहर, खुर्जा, मेरठ, कानपुर, गुरुग्राम,
रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, पलवल, होडल, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ तक फैला था, जो उस दौर की रियासतों में सबसे धनाढ्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। आइए आपको दिखाते हैं जाट रियासत की अमर निशानी के रूप में स्थित थून की गढ़ी, जिसे अब जाटोली थून के नाम से जाना जाता है। इसी थून की गढ़ी से जाट साम्राज्य का उदय हुआ और इसने दुनिया भर में अपनी धाक जमाई। गांव सिनसिनी और थून की गढ़ी की धरा की रज ने ऐसे सूरमा तैयार किए जिन्होंने अपना जीवन देश और धर्म के लिए बलिदान कर धर्म और संस्कृति की रक्षा की। वीरवर महाराजा सूरजमल की अमर कहानी से पहले आइए आपको परिचित कराते हैं जाट साम्राज्य के उदय की कहानी से। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में जब मुगल शासक औरंगजेब के अत्याचार बढ़ने लगे और मथुरा वृंदावन के मंदिरों को नष्ट किया जाने लगा, तो मथुरा के नजदीक तिलपत के वीर गोकुला जाट के नेतृत्व में मुगलों से मुकाबला किया गया और देश धर्म की रक्षा के लिए जाट साम्राज्य की शुरुआत हुई। जाटों ने ही सबसे पहले मुगलों का सामना किया और फिर जाटों को जन जन का साथ मिलता गया। सत्य और न्यायप्रिय वीर गोकुला को धोखे से घात लगाकर आगरा के किले में मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन विद्रोह की ज्वाला बढ़ती गई। वीर गोकुला के बलिदान के बाद ठाकुर राजाराम जाट के नेतृत्व में जाटों ने एक बार फिर अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया और आगरा तक अपनी धाक जमाई। इतिहासकार मनुची ने लिखा है कि वीर गोकुला की शहादत का प्रतिशोध लेने के लिए ठाकुर राजाराम ने मुगल शासक अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था। विद्रोह की चिंगारी ने दिल्ली की सल्तनत को हिलाकर रख दिया और ठाकुर राजाराम वीर गति को प्राप्त हो गए। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ठाकुर राजाराम के अभियान को उनके भतीजे ठाकुर चूड़ामण ने आगे बढ़ाया और थून की गढ़ी में जाट साम्राज्य की स्थापना की। ठाकुर चूड़ामण ने अपनी कर्मठता और बहादुरी से जाट रियासत को मजबूती प्रदान की और थून की गढ़ी में मजबूत किले का निर्माण करवाया। ठाकुर चूड़ामण के दो भतीजे हुए, बदन सिंह और रूप सिंह। चूड़ामण की विरासत के रूप में जाट सरदारी को बदन सिंह ने संभाला और मजबूत नेतृत्व दिया। राजा बदन सिंह की बहादुरी से जाट साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ और बदन सिंह सिनसिनवार के राजमहलों में रानी देवकी की पावन कोख से माघ शुक्ला दशमी विक्रम संवत 1763 यानी 13 फरवरी 1707 की स्वर्णिम वेला में महाराजा सूरजमल के रूप में एक ऐसा वीर सपूत जन्मा जिसने जाट साम्राज्य को विश्व भर में प्रतिष्ठा दिलाई। राजा बदन सिंह की बहादुरी से मेवात क्षेत्र उनके अधीन आ गया। राजा बदन सिंह का साम्राज्य, उपाधि और प्रभाव बढ़ते गए तो उन्होंने स्थायी राजधानी के लिए महात्मा प्रीतम दास की सलाह पर डीग को चुना और डीग में किले, महल और बगीचों का निर्माण कराया। दीग में बने जल महल दुनिया के सबसे भव्य और खूबसूरत महलों में हैं। इन महलों में राजा बदन सिंह और महाराजा सूरजमल का दरबार लगा करता था।
राजा बदन सिंह के शासनकाल में भरतपुर के उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले मेवों के उत्पाद से निपटने के लिए युवराज सूरजमल और निकटतम रिश्तेदार ठाकुर सुल्तान सिंह को भेजा गया और यहीं से किशोर वय सूरजमल ने अपनी वीरता और धीरता का परिचय देते हुए युद्ध कौशल में सफलता के झंडे गाड़ दिए। राजा बदन सिंह से युवराज सूरजमल के महाराजा ब्रिजेंद्र सवाई बनने की भी रोचक कहानी है। जब 1745 में अहमद शाह अब्दाली ने दीग कुमेर के किले को फतह करने की धमकी दी तो महाराजा सूरजमल ने अपनी बुद्धिमता और वीरता से अब्दाली को संदेश भेजा और कहा, अपने आप को दिल्ली सल्तनत का बादशाह कहलाने वाले एक किसान रियासत से टक्कर ले रहे हो, लेकिन याद रखना, एक किसान के किले को जीत लिया तो कोई बात नहीं, मगर आपकी हार हुई तो पूरे देश में दिल्ली सल्तनत की नाक कट जाएगी। रही बात युद्ध की, तो हमारी तमाम सरदारी का फैसला है कि जब तक एक बच्चा भी जिंदा रहेगा तब तक युद्ध लड़ेंगे। जाट सरदारी के शौर्य और पराक्रम का ऐसा ही परिणाम आप पहले ही चौमुहा के युद्ध में देख चुके हो। महाराजा सूरजमल की इस चातुर्य और स्वाभिमान से परिपूर्ण वीरता को देखते हुए अब्दाली को धक्का लगा और उन्होंने युवराज सूरजमल से मित्रता करने का निर्णय लिया। अब्दाली ने वीर महाराजा सूरजमल को निशान, नगाड़ा और पंचरंगे झंडे के साथ ब्रजराज ब्रिजेंद्र सवाई के खिताब से नवाजा। एक समय जब महाराजा सूरजमल अपनी विजय यात्रा से लौट रहे थे तो हरियाणा में होडल के रास्ते से गुजरते समय एक रोचक घटना हुई। यहां के रहने वाले चौधरी काशीराम की बेटी किशोरी देवी होडल के चौक में गांव के बच्चों के साथ खेल रही थी। काफिले के सैनिकों ने उन्हें हटने के लिए कहा। इस पर बुद्धिमान, साहसी और चातुर्य से परिपूर्ण किशोरी ने महाराजा को दूसरे रास्ते से जाने की सलाह दी। उनकी वीरता और दृढ़ता से प्रभावित होकर महाराजा सूरजमल ने किशोरी देवी के पिता और होडल के ग्रामीणों को संदेश भिजवाया। वहीं होडल की पंचायत पर महाराजा सूरजमल ने ग्रामीणों की उपस्थिति में किशोरी से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिस पर ग्रामीणों ने किशोरी देवी की शादी महाराजा सूरजमल से संपूर्ण रीति रिवाज से संपन्न करवा दी और इस तरह दृढ़ता की धनी किशोरी महारानी किशोरी देवी बन गई। महाराजा सूरजमल के वीरतापूर्ण और विजयी जीवन में महारानी किशोरी देवी की अहम भूमिका रही। युद्ध कौशल और रणनीति में महारानी किशोरी देवी ने सूझबूझ और बुद्धिमता से महाराजा सूरजमल को हमेशा अजेय रखा। होडल में महाराजा सूरजमल ने छतरी, मंदिर और तालाब का निर्माण करवाया। यहाँ पर हर वर्ष मेला भी लगता है, जिसमें दूर दूर से आज भी लोग आते हैं। महाराजा सूरजमल ने 1747 में अशद खान को मारकर कौल के युद्ध में चंदौस यानी अलीगढ़ जीता और युवावस्था में अपनी धाक जमाई। महाराजा सूरजमल के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संपूर्ण भारतवर्ष के राजा महाराजा उनसे सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए आने लगे। वर्ष 1743 में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष हुआ। इस युद्ध में जोधपुर, कोटा, बूंदी रियासतों और मराठा पेशवाओं ने माधो सिंह का साथ दिया, लेकिन
न्यायप्रिय और वचनबद्ध महाराजा सूरजमल ने असली उत्तराधिकारी ईश्वरी सिंह का साथ दिया। उत्तराधिकार के लिए ये युद्ध जयपुर के पास बगरू में हुआ। इस युद्ध के लिए महाराजा सूरजमल मात्र 10,000 घुड़सवार, 2,000 पैदल और 2,000 बर्चेबाज सैनिक लेकर कुम्हेर से रवाना हुए। जयपुर पहुंचने पर बासवदनपुरा में ईश्वरी सिंह ने महाराजा सूरजमल का भव्य स्वागत कर सम्मान किया। 20 अगस्त 1748 को झमाझम बारिश के बीच शुरू हुआ यह युद्ध सैन्य शक्ति के लिहाज से महत्वपूर्ण था। एक तरफ जहां 7 रियासतों और मराठों की लाखों की सेना थी, तो दूसरी ओर ईश्वरी सिंह के साथ महाराजा सूरजमल की मात्र 15,000 की सेना। माधो सिंह के असंख्य सैनिकों को देखकर ईश्वरी सिंह की सेना हताश होकर हारने लगी, लेकिन महाराजा सूरजमल के वीर सैनिकों ने दुश्मन को धूल चटा दी और महाराजा सूरजमल ने सेना की मुख्य कमान संभालकर ईश्वरी सिंह की हारती हुई बाजी को जीत में बदल दिया। इस युद्ध में महाराजा सूरजमल की शूर वीरता को देखकर बड़े बड़े सूरमाओं की छाती थर्रा गई। 3 दिन तक चले भीषण युद्ध में आखिर महाराजा सूरजमल ने अपनी वीरता से मोर्चा जीत लिया। महाराजा सूरजमल ने सिसोदिया, राठौड़ों, चौहानों और मराठों की 7 रियासतों की संयुक्त सेना को एक साथ युद्ध भूमि में परास्त कर अद्भुत इतिहास रचा और सफलता के झंडे गाड़ दिए और ईश्वरी सिंह को जयपुर का राजा बना दिया। इस ऐतिहासिक विजय से महाराजा सूरजमल की कीर्ति पताका चहुं ओर फहराने लगी। महाराजा सूरजमल की सेना ने आगरा और मथुरा पर कब्जा करने आ रहे मुगल बादशाह अहमद शाह के सेनापति मीर बख्शी को सलावतगंज में घेरकर पराजित कर दिया। महाराजा सूरजमल ने 1 जनवरी 1750 को मीर बख्शी और उसकी असंख्य सेना को हराकर फरीदाबाद और बल्लभगढ़ पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध के बाद महाराजा सूरजमल ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें शर्त रखी कि मुगल सेना हिंदुओं पर अत्याचार नहीं करेगी, पीपल के पेड़ कोई नहीं काटेगा और धार्मिक स्थलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस जीत से महाराजा सूरजमल की सैन्य शक्ति और वीरता का डंका देश भर में बजने लगा। 1753 में महाराजा सूरजमल ने घसेरा युद्ध जीता। 10 मई 1753 को महाराजा सूरजमल का मुकाबला दिल्ली सल्तनत के नवाब गजरुद्दीन से हुआ। इस युद्ध में महाराजा सूरजमल ने अपने शौर्य और पराक्रम से गजरुद्दीन को धूल चटाकर दिल्ली सल्तनत को फतह कर लिया। ये वो दौर था जब महाराजा सूरजमल के सितारे आसमान तक चमक रहे थे। इनकी चमक के आगे कोई नहीं टिक पा रहा था। महाराजा सूरजमल की सैन्य शक्ति, शासकीय कुशलता और रणनीतिक कौशल देश भर में सिरमौर थी। महाराजा सूरजमल का सामना अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली से भी हुआ। अब्दाली महाराजा सूरजमल से धन वसूलना चाहता था, लेकिन महाराजा सूरजमल ने अब्दाली की परवाह नहीं की और सैन्य शक्ति के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो गए। अब्दाली को पता चल गया कि महाराजा सूरजमल मथुरा पहुंच गए हैं, तो उसने अपने सैनिकों को मथुरा में मुकाबले के लिए भेजा। लेकिन शूरवीर जाटों के आगे अब्दाली के सैनिक नहीं टिक पाए। हालांकि मौका पाकर अब्दाली ने डीग कुमेर के महलों पर कब्जा करने की असफल कोशिश की, लेकिन इसी दौरान 18 मई 1754 को महाराजा सूरजमल ने इंदौर के होलकर के बेटे खांडे राव को मारकर ये युद्ध जीत लिया।
अब्दाली की सेना में हैजा फैल गया और वो महाराजा सूरजमल से मुंह की खाकर भाग गया। 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुए पानीपत के तीसरे युद्ध में सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना आई। महाराजा सूरजमल ने इसका भव्य स्वागत किया और दिल्ली तक साथ आए। महाराजा सूरजमल ने मराठाओं को युद्ध जीतने की रणनीति समझाते हुए सुझाव दिया कि स्थानीय परिस्थितियों से बखूबी वाकिफ होने के कारण युद्ध का नेतृत्व भरतपुर रियासत को दिया जाए। दूसरे, महाराजा सूरजमल को ये देखकर आश्चर्य था कि मराठे युद्ध में अपने साथ महिलाओं और बच्चों को भी लाए थे। ऐसे में उन्होंने सुझाव दिया कि मराठा पेशवाओं की औरतों और बच्चों को युद्ध भूमि से दूर डीग के किले में भेज दिया जाए। तीसरे, उस समय सर्दी का मौसम था जो अब्दाली की अफगान सेना के तो अनुकूल था लेकिन देशी सैनिकों के लिए पूरी तरह प्रतिकूल। ऐसे में महाराजा सूरजमल ने सुझाव दिया कि युद्ध गर्मी के समय किया जाए और मौसम की अनुकूलता देखकर आक्रमण किया जाए। लेकिन भाऊ ने युद्ध के संबंध में महाराजा सूरजमल की सलाह नहीं मानकर बेतरतीब और मन मर्जी से काम किया। इससे महाराजा सूरजमल के सम्मान को ठेस लगी और वे मराठों से अलग हो गए। इतिहासकारों का मानना है कि मराठे पानीपत के इस युद्ध में महाराजा सूरजमल की राय मान लेते तो आज भारत की तस्वीर कुछ अलग ही होती। महाराजा सूरजमल के कहे अनुसार मराठा पेशवाओं ने युद्ध की रणनीति नहीं बनाई तो मराठा पेशवा पानीपत के युद्ध में बुरी तरह परास्त होकर छटपटाने लगे। यहां महाराजा सूरजमल ने मानवीयता और सहृदयता का एक अनुपम उदाहरण पेश किया। आमतौर पर हारी हुई सेना का कोई साथ नहीं देता लेकिन महाराजा सूरजमल ने उदारता के रूप में अपने राजधर्म और मानवीय दृष्टिकोण से मराठाओं को संकट के समय डीग में 8 माह तक शरण दी। यही नहीं, महाराजा सूरजमल और महारानी किशोरी देवी ने प्रत्येक मराठा पेशवा घायल सैनिकों को एक एक चांदी का सिक्का, वस्त्र और राशन सामग्री देकर मराठों को महाराष्ट्र तक छोड़ने के लिए भरतपुर की सेना भेजी। महाराष्ट्र के मालेगांव, नासिक और औरंगाबाद क्षेत्र के आसपास के गांवों में आज भी महाराजा सूरजमल की सेना के सैनिक और जाट समुदाय के लोग निवास करते हैं जो आज भी जाट बावेसी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा उदाहरण विश्व इतिहास में पहली बार मिलता है जिसमें हारी हुई सेना की किसी ने ऐसी मदद की हो। 12 जून 1761 में महाराजा सूरजमल ने वीर गोकुला के बलिदान का बदला लेने के लिए आगरा पर चढ़ाई की। उस समय आगरा दिल्ली सल्तनत की दूसरी राजधानी हुआ करती थी। महाराजा सूरजमल सैन्य बल के साथ आगरा की ओर बढ़े। 30 दिन के घेरे के बाद आगरा किले पर जाटों का अधिकार हो गया। आगरा जीतने के बाद महाराजा सूरजमल यमुना क्षेत्र के एक छत्र स्वामी हो गए। आगरा विजय के दौरान महाराजा सूरजमल ने ताज महल को अपने अधीन कर शिव मंदिर बनाने का निर्णय किया लेकिन क्योंकि कब्रिस्तान मंदिर नहीं बन सकता तो वहां पर भूसा भरवा दिया। महाराजा सूरजमल के सुपुत्र महाराजा सवाई जवाहर सिंह ने भी आगरा विजय के दौरान आगरा के किले में भूसा भरवा दिया था। आगरा विजय के बाद महाराजा सूरजमल ने साम्राज्य का विस्तार करते हुए अलीगढ़ को फतेह किया और वहां भव्य किले का निर्माण कर इसे नाम दिया रामगढ़। इस रामगढ़ किले की बनावट भी भरतपुर के किले की तरह ही है।
इसके बाद बलूचों को युद्ध में हराकर 1763 में फर्रुख नगर पर विजय प्राप्त की। महायोद्धा होने के अलावा महाराजा सूरजमल कुशल प्रशासक, दूरदृष्टा, महान शिल्प निर्माता, पर्यावरण प्रेमी और जल स्वावलंबी भी थे। आपको बता दें कि महाराजा सूरजमल की पेयजल नीति को वर्तमान में भारत सरकार भी अपना रही है। महाराजा सूरजमल के पिता बदन सिंह के समय 19 फरवरी 1733 बसंत पंचमी के दिन एक सप्ताह की पूजा के बाद शुरू हुए लोहागढ़ किले को सूरजमल ने इतनी बुद्धिमता और रण कौशल से बनवाया कि मिट्टी से बने इस अभेद किले की दीवारों का तोप के गोले भी कुछ नहीं बिगाड़ सके। लोहागढ़ की दीवारें 100 फीट ऊंची और 30 फीट मोटी हैं। किले में 8 बोर्ज हैं जिन पर बड़ी बड़ी तोपें लगी हैं। महाराजा सूरजमल ने युद्ध कौशल के लिए लाखा तोप बनवाई जिसकी मारक क्षमता डीग भरतपुर से लेकर सीधी दिल्ली के लाल किले तक थी। लाखा तोप का जब पहला प्रक्षेपण प्रयोग किया गया तो उसकी मारक क्षमता को देखकर मुगल, मराठे, पेशवा, रोहिल्ला और राजे महाराजाओं की रूह कांप गई, जिसके कारण किसी ने भरतपुर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इस किले को आज तक कोई नहीं जीत पाया, यहां तक कि अंग्रेज भी इस किले को जीत नहीं पाए। सन 1805 में अंग्रेज लॉर्ड लेक जनवरी से अप्रैल तक 4 महीने इस किले के बाहर घेरा डालकर पड़ा रहा, लेकिन इसे भेद नहीं पाया और अंग्रेजों की जैसी हार भरतपुर में हुई वैसी कहीं नहीं हुई। डीग और भरतपुर के बीच ही कुम्हेर और वैर में भी किले बनवाए गए। वैर में सूरजमल के छोटे भाई प्रताप सिंह रहते थे। इसके अलावा उन्होंने मथुरा और वृंदावन में भी छतरियों और तालाबों आदि का निर्माण कराया। ये सब उस समय की वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। डीग के जल महल और बगीचे आज भी उत्कृष्ट वास्तुकला के प्रमाण हैं, जिन्हें देखने के लिए संपूर्ण विश्व भर से लोग आते हैं। महाराजा सूरजमल का सपना था कि भारत की एकता और अखंडता को पुनः प्रतिष्ठापित किया जाए और देश में अधर्मियों को सबक सिखाकर भारत की आन बान और शान को बनाए रखने, बहन बेटियों के मान सम्मान को बढ़ाने और धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली फतेह की जाए। महाराजा सूरजमल ने दिल्ली जीतने के लिए भरतपुर में अपनी कुल देवी माँ चामुंडा की आराधना के साथ दिल्ली में सूरज पर्वत पर शिव मंदिर बनाकर युद्ध का ऐलान कर दिया। महाराजा सूरजमल के ऐलान से दिल्ली सल्तनत के शासक नजीबुद्दौला की रूह कांप गई और हड़बड़ाहट में उसने महाराजा सूरजमल को रोकने का प्रयास किया। महाराजा सूरजमल की बढ़ती सैन्य शक्ति के आगे नजीबुद्दौला टिक नहीं पाया और आखिर 24 दिसंबर 1763 को महाराजा सूरजमल ने दिल्ली जीतकर एक बार फिर हिंदुस्तान के अजेय महायोद्धा बनने का स्वर्णिम इतिहास रच दिया। लेकिन विजय के बाद दूसरे दिन हिंडन नदी के किनारे महाराजा सूरजमल घोड़े पर सवार होकर घूम रहे थे कि अचानक दुश्मनों ने धोखे से पीठ पर गोली मार दी।
हिंदुस्तान का ये शेर आमने सामने के मुकाबले में कभी नहीं हारा, लेकिन पीठ पीछे के वार की वजह से भारत भूमि के अजेय महायोद्धा महाराजा सूरजमल वीर गति को प्राप्त हो गए। 25 दिसंबर 1763 को हिंदुस्तान का ये सूरज दुनिया को अलविदा कह गया और महाराजा सूरजमल देश और धर्म की रक्षा का संदेश अमर कर गए। महाराजा सूरजमल की अंत्येष्टि कृष्ण की पवित्र भूमि गोवर्धन में हुई। वहां पर बाद में कुसुम सरोवर ताल और एक शानदार छतरी बनाई गई जो वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। महाराजा सूरजमल के बलिदान के बाद वीरता और अजेय महायोद्धा की परंपरा को उनके सुपुत्र महाराजा जवाहर सिंह ने भी निभाया। महारानी किशोरी देवी ने अपने बेटे महाराजा सवाई जवाहर सिंह को कहा कि तुम्हारे पिताजी की पगड़ी दिल्ली के दरबारों में ठोकरे खा रही है और तुम शांति से बैठे हो। शब्दा मारिया मर गया, शब्दा छोड़िया राज, जो नर शब्द पहचान गया वहां का सर गया काज। राजमाता महारानी किशोरी देवी के शब्द सुनकर महाराजा सवाई जवाहर सिंह ने दिल्ली पर चढ़ाई की और घमासान युद्ध के बाद ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। दिल्ली विजय की अमर निशानी के रूप में महाराजा सवाई जवाहर सिंह ने दिल्ली के लाल किले से अष्ट धातु के दरवाजे लाकर लोहागढ़ में लगा दिए। आपको बता दें कि 462 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी नहीं मिलने पर चित्तौड़ से ये अष्ट धातु के दरवाजे उखाड़कर दिल्ली ले गया था। महाराजा सूरजमल के सुपुत्र महाराजा सवाई जवाहर सिंह ने ये दरवाजे दिल्ली के लाल किले से लाकर भरतपुर के लोहागढ़ में स्थापित कर दिए, जो इतिहास में सम्मान और गौरवशाली स्वाभिमान की महान विरासत है। वीरता की इस निशानी को देखने आने वाला हर शख्स यहां श्रद्धा से शीश झुकाता है। इस विजय के बाद राजमाता महारानी किशोरी देवी ने तीर्थराज पुष्कर में शाही स्नान की इच्छा जाहिर की तो महाराजा सवाई जवाहर सिंह ने पुष्कर में भरतपुर का जाट घाट बनवाया और राजमाता महारानी किशोरी देवी ने शाही स्नान किया। दिल्ली के ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में महाराजा जवाहर सिंह ने भरतपुर में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया। यहाँ भरतपुर साम्राज्य के महाराजाओं की गौरवशाली वंशावली अंकित है। महाराजा सूरजमल ने अपने जीवन काल में 110 से ज्यादा युद्ध जीते। महाराजा सूरजमल देश और हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में विश्व विख्यात हुए, इसीलिए उनके सम्मान में दिल्ली के बिड़ला मंदिर में उनकी प्रतिमा आज भी देश और धर्म की रक्षा का अमर संदेश दे रही है। महाराजा सूरजमल जी जाट कौम के शूर वीर सपूत, अपनी वीरता के लिए तारीख हिंद में एक सुनहरी नाम, अपनी वीरता के लिए, अपने पारखी और योद्धा जीवन के लिए युग युगांतर तक लोगों के दिलों में बसे रहेंगे। आइए एक नजर डालते हैं भरतपुर के राजवंश पर। भरतपुर राजवंश पर भगवान शिव और कुल देवी माँ चामुंडा की हमेशा ऐसी कृपा रही कि यहाँ
राजवंश के लिए किसी भी शासक को पुत्र गोद लेने की जरूरत नहीं पड़ी। महाराजा बदन सिंह 1723 से 1756, महाराजा सूरजमल 1707 से 1763, महाराजा सवाई जवाहर सिंह 1764 से 1768, महाराजा रतन सिंह 1768 से 1769, महाराजा केहरी सिंह 1769 से 1776, महाराजा रणजीत सिंह 1776 से 1805, महाराजा रणधीर सिंह 1805 से 1823, महाराजा बलदेव सिंह 1823 से 1824, महाराजा बलवंत सिंह 1826 से 1853, महाराजा जसवंत सिंह 1853 से 1893, महाराजा राम सिंह 1893 से 1900, महाराजा कृष्ण सिंह 1900 से 1929, महाराजा ब्रिजेंद्र सिंह 1939 से 1948, और भरतपुर राजवंश की 14वीं पीढ़ी के रूप में महाराजा विश्वेंद्र सिंह 1948 से निरंतर, और 15वीं पीढ़ी के रूप में युवराज अनिरुद्ध सिंह। तो आपको इस बात के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, जिस काम को आप आज आगे बढ़ा रहे, महाराजा सूरजमल के नाम से जो डॉक्यूमेंट्री आप लोग बना रहे हो, उसके लिए मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये चीज़ बहुत पहले समाज के लोगों के बीच में आनी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है किसी रीजन की वजह से कोई और आज तक आगे नहीं बढ़ सका। महाराजा सूरजमल ने जो काम अपने जीवन में किए, जिस तरह से उन्होंने इस देश के लिए, केवल समाज के लिए नहीं, इस देश के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी, जिस ढंग से उन्होंने देश के नौजवान को एक नई दिशा दी, और उन सब बातों को आज आप लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हो, इसके लिए आपको बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे बहुत जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि महाराजा सूरजमल जी के जीवन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमारे दो युवा साथी पलसानिया कलवानिया जी के द्वारा बनाई जा रही है, जो वास्तव में एक साहसिक और एक अच्छा कदम है। क्योंकि महाराजा सूरजमल अपने समय के ऐसे शासक रहे हैं जिनको अपनी कार्यकुशलता, अपनी प्रशासनिक क्षमता, अपनी वीरता, कर्मठता एवं समाज सेवा के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अजय महाराजा सूरजमल जी के जीवन पर बन रही डॉक्यूमेंट्री के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि महाराजा सूरजमल जी के इतिहास को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और उनके जीवन से हम प्रेरणा लेंगे। सूरजमल जी का मैं अनन्य भक्त हूँ। मैं ही क्यों, समस्त हिंदू जाट और हिंदुस्तान के रहने वाले, जो इन्होंने धर्म और कर्म के लिए किया और जिस ढंग से इन्होंने राज चलाया और जाटों को जिस ऊंचाइयों पे पहुंचाया, उसकी कोई मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मैं पलसानिया और कलवानिया बंधुओं को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो इस विषय के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, ये श्रद्धा, आदर और बधाई के पात्र हैं। पलसानिया और कलवानिया बंधु से एक निवेदन करना चाहूँगा कि उनके साथ उम्र है, उन्होंने बड़ा हौसला दिखाया है, जिस काम के लिए पूरा भारत पिछले 70 सालों में कुछ नहीं कर सका वो इन्होंने किया है। तो मेरा एक निवेदन है कि इसके साथ ही साथ महाराजा जवाहर सिंह जी की वीरता के और दिल्ली को जो फतेह की उन्होंने उसके बारे में, और इनकी माँ महारानी किशोरी देवी, जिनसे बढ़ के कोई महारानी हुई नहीं कभी हिंदुस्तान में, उनके ऊपर भी एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएँ
जिससे लोगों का ज्ञान बढ़े और जाट जाति को गौरव प्राप्त हो। भरतपुर की उस जगह पर खड़े हैं जहाँ से भरतपुर का साम्राज्य शुरू हुआ, वो किस तरह हुआ इस बात को बताते हैं। जब मुगलों का यहाँ पर राज्य था और मुगल शासन औरंगजेब ने हमारे हिंदुओं की नाक में दम कर रखी थी, उनको जबरन मुसलमान बनाया जा रहा था और मंदिर को तोड़ा जा रहा था, तो राजा राम गोखला ने उनसे लड़ाई लड़ी और वे काम में आ गए गोखला और राजा राम। तो राजा राम के भतीजे चूड़ामणि ने कमाल संभाली और उन्होंने उस औरंगजेब की जितनी भी दक्षिण में उन्होंने लूट मार करी उसको लिया जबरन और यहाँ जाटड़ी थून के नाम से प्रसिद्ध जगह पर अपना भरतपुर राज्य का स्थापना की और यहीं से जाट राज्य साम्राज्य शुरू होता है। यहीं से औरंगजेब की नाक में दम करके जाटों का विस्तार फैलाया और उसके बाद जाटों का साम्राज्य फैलता गया। इसी तरह जाटों का आज जो हिंदुस्तान में नाम है वो चूड़ामणि ठाकुर की वजह से ही नाम है। भरतपुर राज्य की स्थापना हम खड़े हैं इसी जगह जाटों थून के नाम से प्रसिद्ध जगह से शुरू हुई, जिनका भतीजा भदन सिंह और सूरजमल इसी खानदान में। महाराजा सूरजमल जी का शौर्य और पराक्रम का इतिहास बहुत लंबा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सर्वधर्म संभाव को रखते हुए, सभी जातियों को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए उन्होंने हमेशा राज्य के विकास का परचम लहराया और सभी जातियों का विकास करते हुए अपने राज्य में प्रजा को सुखी करने के नए आयाम स्थापित किए, चाहे कृषि के क्षेत्र में रहे हों, चाहे अध्ययन के क्षेत्र में रहे हों, चाहे वीर योद्धा तैयार करने में रहे हों। महाराजा सूरजमल का कोई सानी नहीं है। महाराजा सूरजमल के वंशज उसके बाद जैसे जैसे राज्य का प्रचार हुआ, विस्तार हुआ, महाराजा सूरजमल जी के पराक्रम के बाद इस भरतपुर रियासत का राज विस्तार हुआ। आज हम इस बिल्डिंग में जो खड़े हैं ये निश्चित रूप से पूर्व की राजधानी दीरपुर डीग में सबसे पहले जो कोई निर्माण हुआ इस किले का हुआ था और इस किले के निर्माण से ही यहाँ की सत्ता का संचालन किया जाता था। आज हम उनके सभी किसी भी जाति समुदाय के हों महाराजा सूरजमल जी के वंशज के रूप में पहचाने जाते हैं। गुजरों को फौजदार के खिताब हुआ करते थे, जाटव समुदाय के लोगों को खजाने का इंचार्ज बनाया जाता था, मुस्लिम समुदाय के लोगों को सेनापति बनाया जाता था। इस तरह से कभी भी किसी भी समय भरतपुर रियासत जो पूर्व में दीरपुर डीग के नाम से जानी जाती थी उसमें कभी किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखते हुए सर्वांगीण विकास की सोच लेकर के यहाँ के राजा महाराजाओं ने राज्य की स्थापना। उस वक्त जो हालात थे भौगोलिक और राजनीतिक और ऐतिहासिक हालात थे उसको परिपक्ष में रखते हुए महाराजा सूरजमल जी की जो भूमिका रही है, आज़ादी से पहले और आज़ादी के वक्त भी जब ये मुगलों का शासन खत्म हो रहा था उनको बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उन राजों में से थे जिन्होंने मुगलों से भी लड़ाई लड़ी, मराठों से भी लड़ाई लड़ी और अपने सम्मान के लिए उन्होंने आखिरी दम तक उन्होंने संघर्ष किया। बाकी जो राजा थे वो अपना खुद बैठ के इतिहास लिखाते थे और उन्होंने कभी लिखित इतिहास की कभी परवाह नहीं की, पर अपने ज़िंदगी का जो कर्तव्य था उस कर्तव्य को निभाते हुए एक बहुत बड़े योद्धा के रूप में और एक बहुत बड़े चाणक्य के रूप में इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। राजा अपने तलवार के जोर से जरूर शासन कर सकता है, पर उन्होंने ऐसे राजा थे जिन्होंने गरीब आदमी के दिल में और किसानों के दिल में राज किया और वो बहुत सम्मानित थे, बहुत लोग उनसे प्रेम करते थे और इतने बड़े साम्राज्य उन्होंने बनाया उसके बावजूद भी न्याय और बहुत अच्छा प्रशासन दे के उन्होंने इतिहास में अपना नाम कमाया है। हमें गर्व है इस बात का कि हमारे समाज में सूरजमल जी जैसे राजा हुए आज भी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं और आगे वाली पीढ़ी को भी वो हमेशा प्रेरणा देते रहे। राजकुमार सूरजमल होडल से गुजर रहे थे तो वह उन्होंने देखा कि महारानी किशोरी वो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ होटल में खेल रही थी, तो उन्होंने उनके पैर से वो उनका घरुआ जो उन्होंने बना रखा था वो टूट गया। उन्होंने राजकुमार को रोका और ये कहा कि आपने हमारा घरुआ तोड़ा है, हम आपको यहाँ से नहीं निकलने देंगे। फिर उन्होंने उनकी बहादुरी को देख करके, उनके इस बहादुर वचन को सुन करके गाँव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि ये इतनी बहादुर लड़की है, मैं इनसे विवाह करना चाहता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने इकट्ठा होकर के राजकुमारी का उनसे कर दी। इस छतरी मंदिर और तालाब का निर्माण महाराजा सूरजमल ने कराया था क्योंकि उनके जो साले थे वो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे
और उनकी पत्नी ने भी उनके साथ ही चिता में विलीन हो गई थी, इसलिए उनकी याद में इन तीनों चीज़ों का निर्माण उन्होंने कराया। और तभी से हर साल यहाँ मेला भी लगता है और आसपास के इलाके के लोग, दूर दूर के लोग भी उस मेले में यहाँ आते हैं। 18वीं सदी में काफ़ी बड़े बड़े लोग हुए पैदा, मगर छोटी सी रियासत के राजा ने उत्तर भारत में इतना प्रभाव कर दिया कि उनसे शरण लेने आते थे मराठा, रोहिल, राजपूत, सिख सब। महाराजा सूरजमल एक विलक्षण किस्म की प्रतिभा, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और वो किसानों में राजा थे, राजाओं में किसान थे। और उन्होंने जिस तरह से अपने समय में एक तरह से वो अभिजीत योद्धा रहे, कोई लड़ाई उन्होंने हारी नहीं, न्याय का साथ दिया, सांप्रदायिकता उनको छू के नहीं गई थी। और एक समय था कि दिल्ली के चारों तरफ का सारा उत्तर भारत उनके कब्जे में था। उनकी नीति निपुणता, उनकी सच्चाई, ईमानदारी और गरीब परवर राजा थे। गाय की, महिला की, धर्म की, सबकी रक्षा करने वाले वो राजा थे। और जितनी लड़ाइयाँ हुई वो लड़ाइयाँ जीते। और मैं आपसे कहूँगा कि जैसे जयपुर के राजघराने का जब उत्तराधिकार का सवाल आया था, उसमें वो लड़े थे और वो लड़ाई उन्हीं की वजह से जीते थे। उन सबों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। महाराजा सूरजमल ये नहीं देखा कि कल को अपने काम कौन आएगा, कैसे आएगा। सच्चा जी का बहुत बड़ा पक्ष लिया था और उसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जयपुर के उस समय के सवाई जयसिंह जो उस समय के राजा थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके जो बड़े बेटे ईश्वरी सिंह के बारे पक्ष में खड़े हो जाना, ये भी केवल महाराजा सूरजमल कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और इसलिए महाराजा सूरजमल उस जमाने के हिसाब से, जैसे मैंने कहा, दुश्मनों के बीच में अपना पद कायम करना, प्रतिष्ठा कायम करना और इस प्रकार की रियासत कायम करना आज की पीढ़ी के लिए, भावी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। मुगलों के उस जमाने में जब राजपूत राजा अपनी पद और प्रतिष्ठा को दांव पर लगा चुके थे और अलग अलग तरह की संधियां मुगलों से कर रहे थे, उस काल में एक अलग स्वतंत्र रियासत की स्थापना करना अपने आप में बेमिसाल है। सूरजमल का जो इतिहास है वो राजस्थान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, लेकिन इत्तफाक की बात हुई कि दूसरे राजाओं के मुकाबले में उसको इतनी तरजीह नहीं दी गई। उसके कई कारण हैं। महाराजा सूरजमल जाट जाति का गौरव तो था ही, इसके अलावा वो एक महान योद्धा, महान राजनीतिज्ञ और धर्मनिरपेक्ष राजा था। उनके राज में वो सियासत को सियासत की दृष्टि से चलाते थे, जातिवाद से उन्होंने राजनीति नहीं की। हालांकि उनका जो शौर्य था, उनका जो शक्ति थी, जाटों को संकेत करके ही उन्होंने शक्ति प्राप्त की ही, लेकिन राजकाज में, सियासत में राजा की दृष्टि से वो धर्मनिरपेक्ष थे। महाराजा सूरजमल के ऊपर अगर कोई ऐसा प्रयास करे तो मैं ये कह सकता हूँ कि रणनीतिकारों में सुप्रीम अगर कोई आदमी है तो वो महाराजा सूरजमल हैं। इतिहास में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको उजागर नहीं किया, उसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि इतिहास लिखने वाले और इतिहास बनाने वाले अलग अलग होते हैं। जो लिखते हैं वो बनाते नहीं, जो बनाते हैं वो लिख नहीं सकते। तो महाराजा सूरजमल उन महान व्यक्तियों में, महान लोगों में शुमार होते हैं जिन्होंने इतिहास में अपनी एक जगह बनाई। लेकिन मैं खुद इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, उनके साथ पूरा न्याय इतिहासकारों ने नहीं किया, लेकिन उनकी बुद्धिमता और उनकी दूरदर्शिता वो इस बात का प्रमाण है कि वो इतिहास में अपना नाम कमाने में, और किसी को मैं अगर इतिहास में कहूँ कि स्टेट्समैन अगर हुए हैं तो महाराजा सूरजमल हुए हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि सदाशिवराव भाऊ जो मराठा सेनाओं के सेनापति थे, वो अगर महाराजा सूरजमल की बातें मान लेते, क्योंकि वो उनसे मदद लेने आए थे और महाराजा सूरजमल ने कहा था कि ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ जो जंग होगी, लड़ाई होगी पानीपत की, उसमें मैं मराठा सेनाओं का साथ दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। और वो शर्त कोई ऐसी नहीं थी कि जो उनके कोई अपने स्वार्थ के लिए, बल्कि देश के लिए थी। वो ये कह रहे थे कि ठीक है, बहुत बड़ी सेना शक्ति है मराठा, लेकिन वो युद्ध अभ्यास में
उसकी जो रणनीति है उसमें वो गुरीला वारफेयर के ज़्यादा उनको आती है, और जो मैदान की लड़ाई है उसको लड़ने के लिए रणनीति दूसरी होती है। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं, क्योंकि उस समय उत्तरी भारत में भरतपुर स्टेट को बहुत विस्तृत किया था उन्होंने और बड़ी मजबूत राज्य के रूप में उभर के आया था, उन्होंने ये कहा था कि मुझे सेनापति आप मानो और मैं आपके साथ लड़ाई में आपका सहायक बनूंगा और हम जो विदेशी हमलावर आया है उससे लुहा लेंगे और उनको हराएंगे। लेकिन इस बात पे सदाशिवराव भाऊ सहमत नहीं हुए, तो वो उन्होंने मदद नहीं कर सके वो इसी बात के लिए कि रणनीतिकार होते हुए उनको पता था, और यही हुआ कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है उसमें मराठा सेनाओं को पीछे हटना पड़ा, उनकी हार हुई, और फिर ये बात उन्होंने कही कि अगर ऐसा संभव होता तो हम अहमद शाह अब्दाली को हरा सकते थे। जब मराठाओं की सेना पानीपत के तीसरे युद्ध में हार गई थी और उनके हारे हुए और घायल सैनिकों की देखभाल केवल और केवल महाराजा सूरजमल जी ने की, ऐसा बताते हैं कि लगभग 50,000 की घायलों की संख्या थी, कुछ विधवाएं थी, कुछ बच्चे थे, कुछ बूढ़ी माताएं थीं, उनका पूरी तरीके से 2 महीने तक रह करके उनका उपचार करवाया और ठीक होने के बाद में उनको कपड़े और साथ में एक एक चांदी का सिक्का दे करके उनको महाराष्ट्र में रवाना किया, और उनकी सुरक्षा के लिए जाटों की सेना साथ में भिजवाई ताकि वो सुरक्षित रूप से पहुँच सके। उनके इस योगदान की वजह से ही सब मराठों की सेनाओं में जो भी बचे हुए थे वो सब सुरक्षित अपने महाराष्ट्र पहुंच सके, और वो उनके वंशज जो भी मिलते हैं आज उनका उपकार भूल नहीं सकते। महाराजा सूरजमल जी के सैनिक महाराष्ट्र में गए थे उसमें उनको उस टाइम पर पहुंचाने में, महाराष्ट्र में पहुंचाने में लगभग साल भर लगा था, तो उनका मराठों की सेनाओं के लोगों के साथ में जो जिनको पहुँचाया था उनके साथ इतना लगाव हो गया था कि उन लोगों ने उनका उपकार मानते हुए उन सैनिकों को वापस भेजा ही नहीं। और इसका उदाहरण आपको आज भी महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, नासिक के पास में मालेगांव क्षेत्र है, मालेगांव क्षेत्र के पास में यहाँ से भरतपुर से गए हुए जाटों के 22 गांव हैं, और भरतपुर में जितने भी गोत्र के जाट समाज के लोग हैं वो सब उसी गोत्र के लोग वहाँ पर मिलेंगे, और आज भी जाटों की भरतपुर की आन बान और शान की शौर्य गाथा ये मालेगांव में कही जाती है, और वहाँ के लोकल लोग बाशिंदे आज भी महाराजा सूरजमल जी को याद करते हैं। लेकिन जो स्थान महाराजा सूरजमल जी का मराठाओं में के इतिहास में होना चाहिए वो स्थान अभी तक उनको नहीं मिला, ये दुख का विषय। मैं सगळ्या मराठी लोकांना म्हणतो, त्यांना सांगतो कि उन्होंने इससे सीख लेना चाहिए कि विपत्ति में उनका साथ किसने दिया था, और उन्होंने जिंदगी में अगर इस चीज़ को विपत्ति को भूल नहीं पाएंगे तो वो महाराजा सूरजमल जी के योगदान को और उनके सहयोग को कभी भूल नहीं पाएंगे। जिस भक्ति भाव से आज मराठा लोक छत्रपति शिवाजी महाराजांचं नाव घेतात त्याच भावनेने त्यांनी महाराजा सूरजमल जींचं नाव सुद्धा घ्यायला पाहिजे। महाराजा सूरजमल जी के प्रति आदर में उनके मन में कुछ भी कमी नहीं आना चाहिए। मैं मालेगांव का रहने वाला हूँ, मालेगांव महाराष्ट्र में नासिक जिले में रहता है, और मेरे दादाजी कर्णवीर भाऊसाहेब मेरे कि जिन्होंने महाराष्ट्र राज्य बनने के लिए पूरी अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी, और उन्हें उसका बहुत बड़ी कीमत अपने सियासती जिंदगी में देनी पड़ी थी। जब से मैं मालेगांव में आया हूँ आपका जो जाट समाज है उससे उन लोगों से मेरी दोस्ती बढ़ी, और फिर बाद में जैसे मैं पॉलिटिक्स में आ गया तब से इन लोगों से मेरी ज़्यादा ही कुछ रिलेशंस बढ़ गए, और आपके समाज ने भी हमें बहुत अच्छी तरह से पॉलिटिक्स में मदद की है। तो कभी कभी ख्याल दिल में ये आता है कि ये हरियाणा में रहने वाले लोग यहाँ महाराष्ट्र में कैसे आ गए और क्यों आ गए, और फिर हम लोगों का और इनका जो दोस्ताना बढ़ा इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो थोड़ा बहुत सोचने के बाद जो मुझे मालूमात पड़ी वह ऐसी है कि पानीपत के युद्ध में जब मराठों की हार हो गई और बहुत से सैनिक यहाँ वहाँ चले गए, तो जो भी कुछ दिक्कत में सैनिक थे वो सब लोग
राजा सूरजमल जी के आश्रय में गए और उन्होंने हमारे इन सब मराठा सैनिकों को अपने राज्य में आश्रय दिया, इनके खाने पीने का इंतज़ाम किया, इनके दवा दारू का इंतज़ाम किया और करीब करीब 6-8 महीना साल भर ये लोग वहाँ भी बसे रहे। बाद में महाराज सूरजमल जी ने इन्हें पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, या आप हमारे राज्य में रहना चाहते हैं या आप महाराष्ट्र में वापस जाना चाहते हैं। तो बहुत से लोगों ने महाराष्ट्र में वापस जाने की इच्छा जाहिर की, इसलिए राजा जी ने इन सब लोगों को महाराष्ट्र में पहुंचाने के लिए बड़ी इंतज़ाम किया और हाथी घोड़े वगैरह देके और इनके हिफाजत के लिए ज़्यादा सैनिक देके इन लोगों को महाराष्ट्र तक पहुंचा दिया। महाराष्ट्र में आने के बाद फिर हमारे जो मराठा थे इन्होंने जो भाई आए थे उनको बोला कि भाई आप इतने दूर से हमारे लिए आए हो और इतने कष्ट लेके हमारे लिए यहाँ आए हो, तो हमारी ये इच्छा है कि कुछ दिन के लिए आप हमारे यहाँ रुके और फिर जो यहाँ पे 6-8 महीना आपके लोग रुके जाट समाज के, और फिर आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे मालेगांव तालुका में जो भी सब जाट समाज के लोग हैं वो तो ओरिजिनली राजा सूरजमल जी के सैनिक थे, उनके साथ युद्ध करते थे, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे हर कार्य में आपके लोगों का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। महाराज जी सूरजमल, इनके बारे में मराठा समाज के हृदय में बहुत आस्था और बहुत आदर है, क्योंकि जब आदमी की सही पहचान जब भी होती है कि जब भी कोई तकलीफ में हो जिसको जो मदद करे वही उसका सच्चा हमदर्द और सच्चा दोस्त होता है। हम भी ये मानते हैं कि फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इस प्रकार से राजा जी बड़े मानवतावादी आदमी थे और उनकी राजवट में उन्होंने अच्छी तरह से हरियाणा में जो उनकी राज्य था वहाँ पे अच्छा काम करते थे, अच्छे राजा थे और वो सहृदयी थे, इसलिए जब मराठा सैनिकों को दिक्कत में देखा तो एक आदमी ने आदमी को जिस प्रकार से मदद करना चाहिए तो वो भूल गए कि मैं राजा हूँ और ये ऑर्डिनरी सैनिक है, ऐसी कोई भी भावना उन्होंने मन में रखी नहीं और इन सब लोगों को हमारे मराठा सैनिकों को उन्होंने जिस प्रकार से मदद की, इसलिए मेरे को मानता हूँ कि ऐसे सहृदयी आदमी और ऐसे बड़े राजा हिंदुस्तान में जो हो गए उनमें से एक बहुत बड़े राजा करके मैं उनका नाम लूँगा और मैं उनके बारे में मेरे मन में बहुत आदर है। महाराजा सूरजमल जी हमारे जाटों के सर्वमान्य हमारे गौरव हैं और आज भी उनके प्रति पूरे समाज का, पूरे जाटों में जहाँ भी पूरे देश में हमारे जाट समाज है सभी उनका सम्मान और आदर और उनका सत्कार बड़े हृदय से करते हैं। माननीय सूरजमल जी की जो वीर गाथा है वो उससे इतिहास भरा पड़ा है, उनके इतिहास के उनकी वीरता की वजह से उन्होंने मुगल शासन काल में मुगलों को बचाने का काम किया और यहाँ तक कि जाट समाज का गौरव इतना ऊंचा बढ़ाने का काम किया, उनके द्वारा ताजमहल में एक दफे उसमें भूसा भरवा दिया गया था। महाराजा सूरजमल ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए जब अलीगढ़ पे फतेह हासिल की तो उन्होंने अलीगढ़ में एक किला भी बनाया और उस किले को बनाने के बाद वहाँ लगातार उनकी सेनाएं भी रही और उस साम्राज्य का हिस्सा उनके रहा, लेकिन आज परिस्थिति एक है कि वो किला मर्तप्राय स्थिति में है और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी एक प्रयास किया गया था कि उनके नाम पे जब सैयद साहब ने यूनिवर्सिटी खोली तो उन्होंने उस चीज़ को पहचाना था कि जिस तरह से उनके क्षेत्र में महाराजा सूरजमल का साम्राज्य रहा, तो सर सैयद अली शाह जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्थापना की थी, सर सैयद अली ने भी वहाँ पर महाराजा सूरजमल के नाम से एक पार्क का निर्माण किया था जो आहिस्ता आहिस्ता किसी कारण से राजनीति की भेंट चढ़ गया और आज वहाँ उस पार्क का नामो निशान ना होकर उस पर दूसरे नामों से पत्थर लगा दिए गए हैं। ये उत्तर भारत के तमाम लोगों की जिम्मेदारी है जो जाट समाज के साथ साथ जो बाकी 36 बिरादरी के लोग उत्तर भारत में रहते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो महाराजा साहब ने आपको सम्मान दिलाया, जो महाराजा साहब ने आपको मुगलों से बचाया, जो महाराजा साहब की अगली पीढ़ी है आपके सम्मान को जिंदा रखे रही अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हुए, आज ज़रूरत है कि महाराजा साहब की जो धरोहर है, चाहे वो किला है अलीगढ़ का, चाहे वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पार्क है, इन सारी चीज़ों को दोबारा से जिंदा कराने के लिए भी इस समाज के लोगों को, सभी समाज के लोगों को प्रयास करने होंगे।
भरतपुर की यहाँ स्थापना हुई थी, भरतपुर के अंदर पेयजल जो व्यवस्था की गई वो इतिहास के अंदर आर्किटेक्चर के हिसाब से लोग ये कहते हैं, आजकल के जो आर्किटेक्चर है आर्किटेक्ट है वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में नहीं एशिया में भरतपुर से अच्छी पेयजल व्यवस्था आज भी नहीं है जो महाराजा जो है भरतपुर ने उस समय की थी। भरतपुर का दुर्ग जो है वो अजय रहा है, उसकी वजह ये रही है कि यहाँ पे तिहरी खाइयां और दोहरी तिहरी प्राचीरें थी, जिस वजह से उस समय जो भारी आक्रमण शत्रु का आक्रमण होता था उसके हमले बेकार हो जाते थे, क्योंकि उनके तोप के जो गोले थे वो बाहर की मिट्टी की प्राचीरों और अंदर की मिट्टी की प्राचीरों के अंदर धंस जाते थे। इसके अलावा भरतपुर दुर्ग की मैदानी होने के बावजूद स्थिति नीची थी, इसलिए अधिकतर गोले जो या तो नीचे रह जाते थे या फिर ऊपर से निकल जाते थे। जा लाखा तोप पे हम बैठे या को निर्माण हमारे महाराजा सूरजमल साहब ने करो, ये ऐसी तोप है जाकी मार दिल्ली तक हमारे बुजुर्ग बतावे या की मार दिल्ली तक हुई, या को एक बार महाराजा सूरजमल ने परीक्षण करो तो याते बहुत सारे पशु पक्षी मर गए और यहाँ तक कि बताते हैं कि इससे गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिरने की भी सूचनाएं महाराजा साहब तक आई, तो या को उपयोग दोबारा महाराजा साहब ने ना करने की सोच ली, तो या के जो चलावे थे मुगल शासकन पे ऐसा प्रभाव पड़े हो कि वे दोबारा भरतपुर रियासत और डीग रियासत की तरफ दोबारा ते कबू सोच आवे की ना सोची, या वजह थे या पर रोक महाराजा साहब ने लगाए दई के या को अगर हम दोबारा उपयोग करेंगे तो बहुत बड़ो प्रभाव दुष्प्रभाव या को जा सके, पर एक बार के ही उपयोग थे बहुत दूर दूर तक या को परिणाम चलेगो तो यार दोबारा चलावे की जरूरत बिल्कुल ही ना पड़ी, ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग बता हमें। महाराजा सूरजमल जी एक बहुत बड़े कुशल प्रशासक, दूरदर्शी और बड़े कूटनीतिक थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में आगरा और हरियाणा तक अपना साम्राज्य स्थापित किया, और यही नहीं उनका जो लोहागढ़ किला था अंग्रेजों और मुगलों ने लगभग 13 बार उस पर अटैक किए लेकिन गोले वगैरह का उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, वो किला मिट्टी का होने के बावजूद भी, और एक इतिहास में हमेशा महाराजा सूरजमल जी का एक नाम रहेगा, उन्होंने पूरे देश का नाम किया और कभी भी वो अंग्रेजों और मुगलों से हारे नहीं। वीर श्रोमणि महाराजा सूरजमल एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने हमारे जाट इतिहास की रचना स्वर्णिम पृष्ठ में की, उन्होंने कई किले बनवाए जिसमें से एक वैर का किला है जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा किला है। दिल्ली में जब अहमद शाह अब्दाली का शासन था, अहमद शाह दिल्ली का शासक हर वक्त नशे में रहता था, सुंदर लड़की का डोला ले हिंदू को काफिर कहता था। सावन का महीना था, धर्म कौर एक ब्राह्मण की लड़की सावन के महीने में सखियों के साथ बागों में झूला झूलने के लिए जा रही थी। अहमद शाह के कुछ सिपाहियों की नज़र उस धर्म कौर पर पड़ जाती है। जब सिपाहियों ने जाके ये संदेश दिया कि बादशाह सलामत एक ऐसी सुंदर लड़की हमने देखी है जो महल की शोभा बढ़ा सकती है, बादशाह ने जब संदेश ब्राह्मण के घर पहुंचाया कि आपकी बेटी हमें हमारी महल की शोभा के लिए चाहिए, बादशाह ने जाके जब बेटी को कहा तो बेटी ने साफ जवाब दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी इज्जत नहीं दे सकती, कौम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। ब्राह्मण को काफ़ी प्रलोभन दिए, ब्राह्मण दबाव में आ गया लेकिन लड़की ने वो स्वीकार नहीं किया, तब उसको कैद में डलवा दिया गया जबरन। एक मेहतरानी के जरिए वो चिट्ठी महाराजा श्री सूरजमल जी के पास आई तो महाराजा सूरजमल ने उसकी इज्जत बचाने के लिए दिल्ली पर चढ़ाई की। उस समय एक कहावत थी कि तारो टूटेगो हाँ टूटेगो, चाहे रूठ जाए संसार धर्म ना छूटेगो, वो भी धर्म पर हम भी धर्म पर, जाने दुनिया सारी है और माँ बहनों की इज्जत ले दुनिया की जात भिंगारी है, जमानो थूकेगो हाँ थूकेगो, चाहे रूठ जाए संसार धर्म ना छूटेगो। इस बात को लेकर महाराजा सूरजमल ने उसकी इज्जत बचाने के लिए दिल्ली पर चढ़ाई की और दिल्ली पर चढ़ाई करके धर्म कौर की इज्जत को बचाया। विश्व के सिरमौर महाराजा सूरजमल बहुत प्रतापी राजा थे, हिंदू धर्म के वो संरक्षक थे। कालकाजी में सूरज पर्वत पर जो शिव का मंदिर बना हुआ है वहाँ वो युद्ध में जाने से पहले प्रतिदिन पूजा अर्चना करते थे और फिर युद्ध में जाते थे। वो बड़ी दूर की सूझबूझ वाले, सभी लोगों को साथ लेके चलने वाले, सभी धर्मों का आदर करने वाले राजा थे और वो सबके लिए भगवान के बराबर थे। भारत का इतिहास शक्ति और भक्ति का इतिहास है और पुरातन इतिहास की जानकारी लें तो मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक, सामंतों से लेकर जागीरदारों तक ऐसी बहुत सारी शख्सियतें हुई हैं जिन्होंने प्रतिकार करके इस भारत भूमि की स्वाभिमान की रक्षा करी। इतिहास महाराजा सूरजमल को कभी नहीं भूल सकता, एक अजय लौह पुरुष, लोहागढ़ के राजा जिन्होंने एक
उस समय के इतिहास में इतनी विकट सफलता पाई शायद ही कभी संभव थी। मैं समझता हूँ कि 1707 में जन्मे और 1763 तक इन्होंने राज किया, जिनको जाटों के इतिहास में प्लेटो के नाम से जाना जाता है। चतुर थे इसलिए उनको प्लेटो कहा गया, लेकिन अपनी दूरदर्शी नीतियों के कारण उन्होंने कभी भी मुगलों को, अंग्रेजों को यहाँ पर घुसने का अवसर नहीं दिया। शौर्य और पराक्रमी पुरुष का जीवन चरित्र लोगों के बीच में, आधुनिक पीढ़ी के बीच में रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। महाराज जवाहर सिंह, उन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर दिया था और वो जो गेट लेके गए हैं लाल किले से, वो मैंने स्वयं देखा है इनके महल में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो उस समय वो यहाँ से लेके गए। जब मैं छोटा सा था तो महाराजा ब्रजेंद्र सिंह जी के साथ वहाँ उनके मकान में रुका था, तो उन्होंने ये चीज़ें मेरे को दिखाई थी। महाराजा जवाहर सिंह जी, उन्होंने जब दिल्ली पे 1765 में विजय प्राप्त की तो यहाँ आके इस बुर्ज की स्थापना की। विजय स्तंभ पे उनके नाम यहाँ पे अंकित हैं और यहाँ पे वो हर वर्ष की बसंत पंचमी को झंडारोहण करते थे। हमारे जो राजा हैं वो न्यायप्रिय, गरीब के हितैषी और हिंदू धर्म के रक्षक रहे हैं। उन्होंने हमेशा अपने धर्म के लिए अपनी जान की बाजी भी दी है और इसीलिए यहाँ की 3600 कौम हमारे महाराजा को आज भी सम्मान की दृष्टि से इतिहास में देखा।